आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन टिक्का बिरयानी। टिक्का बिरयानी मैं 3 स्टेप्स में बनाना सिखा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी अच्छे से मसाला लगा के। सेकेंड स्टेप में मैं बिरयानी का मसाला बनाऊँगी। थर्ड स्टेप में मैं चावलों की तह लगाना बताऊँगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए हैं, फर्स्ट स्टेप में मैं आपको टिक्के में मसाला लगाना बता रही हूँ। चिकन मैंने ली है 1.5 किलो, जिसके मैंने 4 पीस करवा लिए हैं टिक्के वाले। दही मैंने लिया है 1 पाव। दही मैंने लिया है 1 पाव। 2 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 अदद बड़े साइज़ के लेमन हैं, उनका मैंने जूस निकाल लिया है। नमक हसबे ज़ायक़ा। 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टेबल स्पून काली मिर्चें कुटी हुई हैं। 1/2 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। ज़र्दे का रंग मैंने फूड कलर बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, चुटकी बराबर। ऑयल फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं बाउल में दही डालूंगी। टिक्का मसाला बनाने के लिए ये जो मसाला है, ये इसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है जो नॉर्मल टिक्का हम बनाते हैं उससे। गरम मसाला, काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और फूड कलर, तमाम अज्जा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ। अब मैं टिक्के में कट लगा के और जो मैंने मसाला मैरिनेट किया है उसमें मैरिनेशन के लिए रखती जाऊँगी। इसके अंदर थोड़े डीप कट लगाएंगे ताकि मसाला चिकन में अच्छी तरह से चला जाए। जॉइंट्स पे कट लगा लेंगे ताकि इसमें से खून ना निकले। ये जॉइंट है इसका, कट लगा लिया। इसी तरह से सारे पीसेस पे मैं कट लगा लेती हूँ। चिकन अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट कर दी है। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। अब मैं कढ़ाई में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल के तमाम चिकन कढ़ाई में डाल के अब मैं इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर दूंगी ताकि तमाम मसाला चिकन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए।
एक मैंने पतीला ले लिया है, इसमें तकरीबन मैंने 12 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब मैं इसे बॉईल करने रख रही हूँ और साथ में मैं इसमें तकरीबन चार से पांच छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने इसमें इतना लिया है कि जब मैं नमक चखूँ तो मुझे लगे कि पानी में नमक बिल्कुल कड़वा है, तो हमारे चावलों में नमक बिल्कुल सेट होगा। और अगर हमें लगे कि चावल पानी में नमक सही है तो हमारे चावलों में नमक बिल्कुल फीका होगा। तो हमें चावलों में जब हम चावल डालेंगे फिर हम इसका नमक टेस्ट करेंगे तो भी इसमें नमक तेज़ होना चाहिए, फिर हम उसको जब पसारेंगे तो फिर हमारा नमक बिल्कुल सेट होगा। चावल का पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, ये अच्छे से बॉईल होगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं और इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। जब तक हमारा पानी बॉईल होगा हमारे चावल अच्छी तरह से भीग जाएंगे। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, प्याज ली है मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की, उन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। टमाटर के मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं बिल्कुल बारीक बारीक। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 10 से 12। गरम मसाला साबुत लिया है मैंने 12 के करीब, काली मिर्चें हैं 12 से 14 और 8 से 10 लौंगे हैं। दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आलू बुखारे हसब ज़रूरत, नमक थोड़ा डालूंगी क्योंकि मसाले के अंदर ऑलरेडी नमक लगा हुआ है, और जो ये बचा हुआ मसाला है टिक्के में से ये मैं इसमें शामिल करूंगी, इसमें भी नमक है। पुदीना लिया है, ये हम तवे में लगाएंगे। ऑयल तकरीबन मैं 1 कप लूंगी और मसाला जो लूंगी उसमें ऑलरेडी ऑयल मौजूद है। सबसे पहले मैं पतीले में ऑयल डालूंगी। ऑयल मैं 1 कप ले रही हूँ। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब मैं प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी और सारे खड़े मसाले जो हैं दालचीनी, काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची ये मैं इसमें डाल रही हूँ। हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, मैंने जीरा पिसी हुई मिर्ची, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, तमाम अज़ा इसमें मैंने डाल दी हैं। अब जो ये टिक्के का बचा हुआ मसाला है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आधा कप से भी कम मैं पानी डाल रही हूँ और इसको फ्राई करके और मैं चूल्हा बंद कर दूँगी।
टिक्के भी हमारे अच्छी तरह से बिल्कुल गल गए हैं और इसका भी मसाला अब भून रहा है। मैं इसका भी अब चूल्हा बंद कर दूँगा। अब मैंने चूल्हे पे एक कोयला दहकाने के लिए रख दिया है। तह लगाने के लिए अब जो हमें मसाले चाहिए वो हरे मसाले में मैंने आपको दिखाया था, हरी मिर्चें, टमाटर, पुदीना, आलू बुखारे हैं। आधा किलो मैंने टोटल दही लिया था, जिसमें से एक पाव दही मैंने चिकन की मैरिनेशन में लगा दिया था। एक पाव दही ये है, इसमें भी मैं थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करके और हम साइड में रख लेंगे। चावल के लिए हमने जो पानी बॉईल होने रखा था वो अच्छे से बॉईल हो गया है। अब जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं चावल इसमें डाल रही हूँ। चावल डाल के हमें बिल्कुल भी नहीं हटना है, हमें इधर ही खड़े रहना है, क्योंकि चावल डालने के बाद अब मैं जो चावल निकालूँगी तह लगाने के लिए वो फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल कच्चे होंगे। उसके बाद फिर हम जो है 3 कनी रखेंगे चावलों की और बाकी हम 3 कनी में उतार लेंगे। अब आप ये स्टेप्स देखते रहें। अभी हमारे चावल आप देखें बिल्कुल आधे कच्चे हैं। अब मैं इसमें से तकरीबन 3/4 चावल निकाल के और जो मसाला है इसके ऊपर फैला दूँगी। बाकी मेरे चावल जो हैं ये बॉईल होते रहेंगे। अब मैं इस पे टिक्के लगाऊंगी। बाकी जो चावल हैं ये भी बॉईल हो गए और अब मैं इनका भी पानी ड्रेन कर दूंगी। चावल की मैंने एक तह लगा दी है जो बिल्कुल अधकच्चे हैं। अब मैं टिक्के जो हैं वो इसमें लगा रही हूँ। जो ये टिक्के का मसाला बचा हुआ है ये भी मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी। अब जो है ये हरे मसाले जो हैं, टमाटर के स्लाइसेस जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटे हैं, ये मैं सारा हरा मसाला इसके ऊपर साइडों में करके और लगा दूँगी। हरी मिर्चें, आलू बुखारे, पुदीना, ये तमाम मसाले हम बिल्कुल साइडों में लगाएंगे और बीच की जगह हम खाली छोड़ देंगे। अब हम इसके ऊपर जो दही हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर साइडों में डाल देंगे। अब जो है बाकी जो हमने चावल बॉईल बचाए थे वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप देखें चावल का एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। साथ में ही जो मैंने कोयला, अब मैंने एक एल्युमिनियम की प्याली बनाई है और अब मैं बीच में एक छोटा सा होल सा बना के
इसमें मैं ये एल्युमिनियम की प्याली रखूँगी। कोयला अच्छी तरह से दहक गया है, कोयला मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। साथ में ही मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन अच्छी तरह से सब तरफ से बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। बिरयानी जो है अच्छी तरह से दम हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।